खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर एक गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं इस आग में करीब 1,05,00,000 रुपए का नुकसान भी अनुमान लगाया गया है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। पुलिस के मुताबिक इस फैक्ट्री में इम्पोर्ट की पैकिंग का मटीरियल तैयार होता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये लालाऊ रोड है, मीरा ग्लास के पीछे गोडाउन है। गत्ते की पैकिंग का मटेरियल इसमें बनता है, जो ग्लास फैक्ट्रियों में सप्लाई होता है। 2 घंटे लगभग हो गए हैं, आग पूर्णतः कंट्रोल है। अभी आधे घंटे में ऑल क्लियर हो जाएगा, जिसमें जो है ये गत्ते का बना हुआ सामान और जो रॉ मटेरियल था वो जल गया। आसपास का जो फैक्ट्री थी उनको बचा लिया गया। लगभग कितनी गाड़ियाँ इसमें आग को बुझाने में लगी हुई, लगभग कितने लोग कर्मी लगे हुए हैं? गाड़ियाँ हमारी लगभग 7 गाड़ी हमारी यहाँ की लगी हैं पूरे जनपद की, और 2 गाड़ी हमने हजरतपुर से मंगाई है ऑर्डिनेंस डिपो से, तो 25 गाड़ी के आसपास इसमें खाली हो